तो दिन के ना 4:31 हो चुके हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ जी एक स्पेशल व्लॉग। तो आज आपको सारी हाजी जो है ना वो आपको शाम की हाजी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम के खाने पीने में हमारा क्या इंतज़ाम होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारे दुआ है हमारे देखने वाले जा रहे खुश रहे हंस कराते रहे। और इसी रेट के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी पहले देखिए झाड़ू जो है ना वो मैंने सुबह टाइम लगाया था, जो मेरे सारे सीहन है ना तीनों को तीनों माशाल्लाह आज बिल्कुल साफ़ सुथरे पड़े हुए हैं। तो अभी जो है ना हमने चारपाई बाहर निकालनी है और बाकी बर्तन वगैरह हमने आज हमारे पास अदनान लोग गया। अदनान लोग जो है ना वो फिर आए, अदनान की अम्मी की ना कुछ तबीयत ख़राब थी तो इसलिए आज वो आए थे उसका चेकअप करवाने के लिए। तो इसीलिए हमने आज दोपहर को बनाया था जी सालन। तो काफ़ी बर्तन पड़े हुए हैं तो इसलिए ये अभी जो है ना मेरे बर्तन भी धोने वाले हैं। शुक्र है आज झाड़ू जो है ना वो नहीं लगाना, आज इतनी ज़्यादा जो है ना वो हवा भी नहीं चली हुई थी। तो अभी जो है ना मैं धो लेती हूँ, पहले तो निकालते हैं चारपाइयाँ। अगर घर में चारपाइयाँ ना पड़ी हो तो घर का कोई काम नहीं लगता। तो इधर जो है ना मेरे चुल्हाने पे एक मटगू पे ना जो है ना मेरा फूल भी गिरा हुआ है और उसे भी जो है ना वो जोड़ लेते हैं। पता नहीं इन्हें क्या मसला हो गया, ये बिल्कुल फूल जो है ना वो उठा भी नहीं रहे, बस गिरते रहते हैं फूल, तो ये उठाते भी नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो निकालते नहीं है, मैं कह रही उठाते नहीं है। तो अभी जो है ना देखिए अभी काफ़ी धूप है तो मेरे चुलाना जो है ना वो कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि ये सफ़ेद है ना, इस पर हमने लगाया था जी चोपा, तो इसीलिए बहुत ही प्यारा लगता है जब बहुत ज़्यादा धूप निकलती है और साथ फूल भी निकलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है घर को दोपहर को। आपको सुबह इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं अपने घर का सारा जो व्यू है ना वो दोपहर को आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो है ना हम निकालने शुरू करते हैं जी चारपाई बाहर। तो एक ये जो मेरे सिरानी का ना है उलारा, तो वो मैंने आज आज धोया, वो ना काफ़ी ख़राब हो गया। सुबह टाइम में मेरे सिर पर जो चाय ना वो डूल गई थी और इसीलिए ये ख़राब हो गया था, तो उसका मैंने उतार के जो धोया। तो अभी ना उस पर देखते हैं जी सारी चारपाई पाई निकाल के ना फिर। हाँ जी, तो अभी है दो चार भाई मैंने लिए जी निकाल। तो अदनान अभी होते हैं जी खड़े, तो आप देखिएगा अदनान जो है वो बने हुए आज तो ब्लॉग बने हुए ऐसे लगते हैं जैसे ना कोई कोई बड़ा खिलाड़ी हो। तो आज के हाँ जी अदनान पूछ रहा है कि मेरी नानो का है। तो अदनान देखिए जी मुकम्मल तौर पर ये मलंगी लग रहे हैं। अदनान बेटा खड़े होकर दिखाना, खड़े होकर अपने विवाह कर दिखाना। तो अदनान देखिए जी कितने जैसे ये इतने बड़े खिलाड़ी हो और मैच खेलने के जी ना ये यहाँ पे आए हो। दो चार पेजे वो मैंने दिए जी निकाल, तो जैसे मैंने निकाली है तो अदनान जो है ना वो फौरन आके कह रहे कि जी मेरी नानों की चार पाई और ये जी मेरी। तो अभी जो है ना मेरी बाकी चार पाइयाँ रह चुकी हैं। अब मजाक को करते हैं जी बंद और शुरू करते हैं अपना सीरियस काम। चलो बेटा यहाँ पे खड़े हो जाओ। तो अभी जो है ना मैंने सारी चार पाई बस निकाली है तो और मैंने लिए जी निकाल और दौड़े सिरान जो है ना वो आज लेके आए जी अदनान। तो बड़े ना बाबा वर के वो देखिए चार पाई जो है ना घूम रहे कह रहे हैं कि मैंने ना अभी से सोना है। तो जी चार पे थोड़े यहाँ पे दौड़ा लगाओ बेटी। तो अभी जो चार पे वो सारी मैंने लिए जी निकाल, तो माशाल्लाह जैसे मैंने पंखा निकाला है और ठंडी ठंडी जो हवा है ना वो भी चल चुकी है और चली देखिए जी हमारी चार पे देखिए कितनी आराम से आके बैठ चुकी है। और
है ना हम करते हैं जी, अपना दूसरा काम चार पाई जो है ना वो तो मैंने ले ली जी कार। अब बर्तन वगैरह धोते हैं तो थोड़ी देर में पहले सारी मैंने बोतलें भर के रखी हैं, तो अभी मेरी आपने ने पानी है ना वो दिया और बोतल खाली करके ना यहीं पर फेंक के चली गई है। तो अभी मैं ना सारे बर्तन भी धो लेती हूँ और घड़ा भी भर लेते हैं और बोतलें भी जो है ना वो खाली हो चुकी हैं वो भी भर लेते हैं। हवा चल गई ना इसीलिए जो मैंने दो खराब हो जाते हैं और पंखा लेके इसी हवा से चल रहा है। अभी जो है ना चार पे मैं बाहर निकाल के आ चुकी हूँ, हर चीज़ जो है ना मैंने अपने पास रख ली, बोतल वगैरह देखे जी और बर्तन देखे आज मैंने, क्योंकि आपको बताया कि हमारे घर में ना मेहमान आए हुए थे और उन्हें ये पानी बना के दिया है शरबत वाला और सालन रोटी बनाई थी ना, तो इसलिए बर्तन जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा बच चुके हैं। तो अभी जो है ना हम बर्तन ये जो लेमन वैक्स में ये मूली साबुन है माशाल्लाह ये ना बहुत ही जल्दी जो है ना इसके अंदर जज़ब हो जाता है, कुछ साबुन जो है ना वो ख़राब होते हैं, इसको अच्छी तरह से उसका जो बर्तन है वो नहीं सफाई करते। अदरान देखे जी इतना बड़ा शूज़ पहन के ना अपनी खाला जान का तो घूम रहे, बस बाबा जान बने हुए हैं मलंग बने हुए हैं। हाँ जी बाबा बस तो मलंग की हाल चाल ने तेरे ठीक होता फिर ऊपर उठो अदनान उसके बाद एक गाना भी अच्छा आ बांधी देना। तो अभी जो बर्तन है ना वो मैं धो के आ चुकी हूँ, अभी हम रखते हैं जी छावे में और हमारे पास ना बिजली चली गई है तो इसीलिए घड़ा जो है ना वो मैंने अभी तक नहीं भरा, वो उधर खाने पे ही पड़ा हुआ है और बर्तन जो है ना धो के आगे बर्तन को ठंडे पानी की जरूरत होती है जैसे गर्म जो लोग ठंडा हो जाए। तो अदनान ने पहले थोड़े से जोड़े हैं बल्कि जाके ना बाईस से टुके जो है ना वो और लेके आती हूँ कम में। जो लाइट है ना वो आ चुकी है, मैंने घड़ा जो है ना वो भर के रख दिया, अभी मैं जा रही हूँ जी नारी भाई अभी जो है ना वो लेके आया जी आम लेके आए नरेश भाई, तो इन्हें करना है जी ठंडा जो हमारा स्पेशल है, और भी एक चीज़ स्पेशल आएगी ये पहली चीज़ है आम और दूसरी क्या आने वाली है अभी आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। फिर मैंने कहा इन्हें ना ठंडे पानी में जो है ना जल्दी ठंडा कर लें धो के अच्छी तरह से मसाला पानी है वो काफ़ी ठंडा नहीं चल रहा है। तो अभी जो है ना ये आम बिल्कुल ताज़े हैं क्योंकि जो हमारे करीबी है हमारा बाग जो आपको पहले भी एक बार वीडियो में दिखाया है, तो इसीलिए ना ये ताज़े आम है माशाल्लाह ये बिल्कुल जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, तो दांश भाई जो है ना वो वहीं पे वहाँ पे ना वो बेच रहे थे, दांश भाई वहीं से लेके आए हैं, एक किलो आम है तो सात सालन भी है काम जो है ना वो चलेगा हमारा। पहले तो अबू जान जो है ना वो पूरे दो किलो आम लेके आते थे आम खाने का ना हमें पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा शौक है, और जो अदनान खाते हैं ना वो तो आम को ना बाम बोलते हैं। मेरे ख्याल अदनान बेटा ध्यान से खाना कहीं पेट में जाके ना फट ना जाए। ठंडे पानी में कुछ देर रखे हैं जो कंजूर है ना उसे भी जाके देखते हैं तो वो तब तो चाहिए नहीं देखने तक जो है ना वो ठंडे हो जाएंगे। और आम देखे जी धोने जैसे मैंने धोए उनका जो कलर है ना वो चेंज हो चुका है, तो अभी हम जाके रखते हैं जी इसे अंदर। तो आम जो है ना वो मैं धो के आ चुकी हूँ, अभी हम इन पे देते हैं जी प्लेट और यहाँ पे नीचे पड़े सालन बाईस सालन निकाल के रखे, कहीं अंदर जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए आम जो है ना वो अभी इस दचके के ऊपर रखेंगे। तो अभी जाके देखते हैं जी तंदूर की हालत। तो जो तंदूर है ना वो भी मेरा सफ़ेद जो है ना वो हो चुका है, ये इनसे ना अच्छी तरह जो है ना वो फ्रोल लेते हैं, जो टुके जो है ना वो नीचे भी वैसे कच्चे पड़े रहते हैं फिर ना बाद में ये धुएं वगैरह बन जाता है,
तो इसलिए वैसे दूसरा तो तप चुका है। तो अभी मैं बना रही हूँ जी रोटियाँ। एक रोटी जो है ना वो मेरी बन चुकी है, ये देखिए एक रोटी मेरी बन चुकी है, और दूसरी जो है ना वो मैंने अंदर लगाई हुई है वो भी बन चुकी है। वो ना मेरी मुझे पता नहीं चला और रोटी के ऊपर जो है ना वो रोटी लग गई, इसीलिए इधर से ना वो थोड़ी सी फट गई यहाँ से रोटी। शुक्र है आज मेरी शाम से पहले पहले जो है ना वो सारी रोटी मेरी उठ चुकी है तैयार, और बच्चे जो है ना यहाँ पे खेल रहे हैं इसलिए। और ये जी यहाँ पे बस मुझे रोटियाँ ना वो मेरी बन चुकी हैं, और साथ में ना आम मैंने इस लीची से निकाल के रख लिया जी टोकरी में। तो मक्खियाँ जो है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दलील कर रही हैं। अभी मैं बना रही हूँ जी साथ नमक वाली लस्सी कच्ची और आम वो, और साथ ना ये कच्ची लस्सी बहुत ही मज़ा देती है वो भी शाम के खाने में। तो अभी हम पहले डालते हैं जी दूध। तो जो दूध है ना वो मैंने डाल दिया, इस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ डालते हैं जी नमक, और नमक जो है ना वो भी डाल दिया, और ऊपर से डालते हैं पानी। बस इतनी देर लगती है, आचे जो है ना वो मक्खी डाल देते हैं। मेरी जो लस्सी है ना वो बन चुकी है, शाम का जो खाना है ना वो हो चुका है जी मेरा तैयार। आम वगैरह जो है ना हर चीज़ मैंने अपने बास्केट में वो रख ली है। तो मक्खियाँ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा जलील की, गर्मी है ना मक्खियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जलील कर दी हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा जो स्पेशल खाना है ना शाम का वो पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो साथ एक अच्छा सा कमेंट भी मिलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।